हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। आज का टॉपिक है जो आपका ऐप हाइड कैसे करे और उसे अनहाइड भी कैसे करे, दोनों बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरे पास है सैमसंग का फ़ोन। और फ्रेंड्स, अगर मैं चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है और इसके बाद आपको यहाँ दिखता है ये वाला ऑप्शन होम स्क्रीन, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ दिखेगा सबसे नीचे नहीं, आपको यहीं पे दिख जाएगा हाइड ऐप्स, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ देख सकते हैं ये सभी हाइड करने वाला ऐप है, यानी कि छुप जाता है ऐप, ये आपको नज़र भी नहीं आएंगे। जैसे टैल पैड को मैं हाइड कर रही हूँ और जिस पर राइट का निशान आता रहेगा वो हाइड हो चुका है। ये दो ही कर रही मैं अभी फ़िलहाल, और डन पे क्लिक कर देंगे तभी होगा आपका, और इसे होम कर देंगे तो आप यहाँ ढूंढेंगे प्ले स्टोर एंड डायल पैड, तो यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, आप देख सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे स्लाइड करके दिखा रही हूँ, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, ना ही आपका जो प्ले स्टोर है, ना ही वो जो आपका डायल पैड है, मेरे जो डायल पैड है ये सभी नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं, मैं आपको ये भी ओपन करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी नहीं है और एक यहाँ पे भी नहीं है। और इसके बाद आप सेटिंग को ओपन करेंगे दोबारा से और इसके बाद आपको होम स्क्रीन पे क्लिक करना है, हाइड ऐप्स पे क्लिक करेंगे और जो हाइड था इसे अनहाइड कर देंगे, माइनस पे क्लिक करेंगे आप तो आपका यह अनहाइड हो जाएगा। डन पे क्लिक करना है ना बोले, और डन पे क्लिक करें और इसके बाद आप यहाँ देखेंगे डायल पैड और हमारा जो प्ले स्टोर है वो अदर आ चुका है। आप ध्यान से दिखा रही थी मैं आपको, देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में उसको शो कर सकते हैं। आई होप आप सोचो कि इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में ऐप को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। और फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।